जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में जो फ्लूट है इसका स्केल है डी बेस, जो बनाए मैंने मिस्टर मिथिलेश वासु सर जो कि जबलपुर एमपी से, उनके लिए। दोस्तों मेरे फ्लूट की पहचान पहले तो थ्रेडिंग पैटर्न, उसके अलावा मेरे फ्लूट पर यहाँ पे श्री रहेगा, यहाँ पे कृष्णार्पण लिखा रहेगा, यहाँ पे स्केल मेंशन रहेगा, फ्लूट डी स्केल की है, और फ्लूट का जो एंड है यहाँ पे मेरे फ्लूट का लोगो रहेगा कृष्णार्पण। दोस्तों फ्लूट लेफ्ट हैंडेड है इसलिए लोगो ए साइड से आया है। अभी इसकी हम ट्यूनिंग चेक करेंगे, उससे पहले एक बात कि ये जो फ्लूट है ये कस्टमाइज है, जिसमें ब्लोइंग होल जो लेफ्ट हैंडेड प्लेयर जो रहते ना उनके तरफ झुका हुआ है ताकि प्ले करने में आसानी हो। उसके अलावा ये जो ऊपर के तीन फिंगर्स है इनका जो अलाइनमेंट है वो आप देख सकते हैं इस तरह से, ऐसा क्रॉस, ताकि जब फिंगर रखा जाए तो फिर ये लास्ट वाला जो फिंगर है वो आसानी से ग्रिपिंग आसान हो। उसके अलावा जो लास्ट के थ्री होल्स है इनमें भी कस्टमाइजेशन है कि इस तरह से इनका एंगल चेंज है, ताकि जब ये प्ले करेंगे तो ये लास्ट वाली उंगली जो है ना वो आसानी से लास्ट वाले होल पर बैठे और फ्लूट की ग्रिपिंग आसान हो, इसलिए इसमें थोड़े से कस्टमाइजेशन की है। दोस्तों अभी इसके हम ट्यूनिंग चेक करेंगे। स्केल है इसका डी बेस, तानपुरा लग रहा हूँ मैं डी स्केल पे। दोस्तों ये जो फ्लूट है इस जो होल्स है ये होल के डायमीटर मैंने 10 mm के रखे हैं, इससे क्या होगा कि हम हायर ऑक्टेव के जो नोट्स है वो इजीली प्ले कर सकेंगे, जैसे कि सारे गामा पर हम ज़्यादातर प तक ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम द नी सा और रे अति तार सप्तक के अगर बजाना चाहे तो भी हम इस पर इजीली प्ले कर सकेंगे। मैं अभी इसका डेमो दिखाऊंगा। अति तार सप्तक के ध नी सा रे तक के हम नोट्स सुनिएगा। आप देख सकते हैं मैंने इस पर अति तार सप्तक का जो रे है उस वहां तक प्ले किया, और ऐसा नहीं कि हम इसमें कोमल जो नोट्स है वो नहीं बजा पाएंगे। अभी मैं कोमल का भी डेमो दिखाऊंगा। सर ने स्पेशली जो सत्यम शिवम सुंदरम का जो सॉन्ग का इंट्रो म्यूजिक है फ्लूट का, फ्लूट पीस जो है उन्हें इस पर वो बजाना है, तो मैं अभी वो सुनाने का प्रयास करूंगा। फ्लूट लेफ्ट हैंडेड है इसलिए मुझे यानी ग्रिपिंग में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड में अभी आप देख सकते हैं लेफ्ट ही प्लेयर इसे ईजिली ग्रिप कर सकेगा, क्योंकि जो लास्ट वाला होल है ना वो ए साइड में आया है। तो वो जो सत्यम शिवम सुंदरम का इंट्रो म्यूजिक है सुनाने का प्रयास करूँगा।
दोस्तों इसी प्रकार से मेरे हर एक फ्लूट की ट्यूनिंग रहती है। अगर आप किसी भी स्केल के बाम्बू फ्लूट यदि खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे संपर्क करें। थैंक यू फ्रेंड्स।